तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। जी हां, राजद ऑफिस के सामने बड़ा सा एक बैनर पोस्टर लगाया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पोस्टर को, तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। आखिर इस पोस्टर को लगाने का कारण क्या है? कौन तड़प रहा है तेजस्वी के लिए? बिहार की आबादी 19 करोड़ है और 19 करोड़ में 14% उनकी बिरादरी के लोग हैं, जो यादव बिरादरी से हैं। मुस्लिम जो हैं वो भी 17% हैं। कुछ और बिरादरी को जोड़ दीजिए, MY फैक्टर को भी यहाँ जोड़ दे, तो मुस्लिम और वाई को हमने जोड़ दिया तो 17 और 14 जो है वो 31 हो गया। 31% क्या लोग, यदि हम उसी को आधार मान लें जो लालू यादव हमेशा से MY फैक्टर को लेके चलते हैं, उसी को यदि मान लें, तो क्या 31% लोग तड़प रहे हैं तेजस्वी के लिए? आखिर क्यों? जहां जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद पूरा बिहार एक तरह से आपस में मतभेद देखा जा रहा है बिरादरियों में, एज ए मीडिया जब हम कहीं घूम रहे हैं देख रहे हैं, तो जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं और हम भी अपनी आंखों से ऑफ द कैमरा जो देख रहे हैं, वो अब गली के नुक्कड़ और चौराहों पर, चाय की दुकानों पर ये चर्चा होने लगी है कि हम तो 14% वाले हैं। मुस्लिम बिरादरी कह रहा है कि हम तो 17% वाले हैं, तो कोई कह रहा है हम तो भैया 36% वाले हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान राजपूत, ब्राह्मण और भुनियार और कायस्थ तो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तो दशमलव में, माने क्या कहा जाएगा, इनकी संख्या डबल में भी नहीं है, गिनती में दोनों को मिला दिया गया है, राजपूत और ब्राह्मण को यदि, तभी वो डबल में नहीं पहुंच रहे हैं, 9.9% कुछ ही पहुंच रहे हैं। और पोस्टर लगता है तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। कौन तड़प रहा है? शायद कोई नहीं तड़प रहा है। और इस तरीके के पोस्टर जब लगाए जाते हैं, और यदि हम अभी पूछ दें राजद के प्रवक्ताओं से कि आखिर कैसे लगा है ये पोस्टर, तो वो निश्चित तौर पर कहेंगे कि बाहर लगाया है, किसने लगाया, ये पार्टी का अधिकृत पोस्टर नहीं है। लेकिन पोस्टर को फिर से अब हम आपको बराबर साइड स्क्रीन पे अपने दिखा रहे हैं कि देखिए क्या लिखा है, तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। बहस का मुद्दा छिड़ गया है कि एक 8वीं पास के लिए क्या बिहार तड़प रहा है। जब हमने पढ़े लिखे लोगों से बात किया, कहा कि साहब ये लगाता कौन है, ये पोस्टर कौन लगाता है कि तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। चुनाव नजदीक है और ऐसे तमाम पोस्टर सिर्फ राजद ही नहीं, भाजपा में भी लगेंगे, कांग्रेस पे भी लगेंगे, जदयू में भी लगेंगे, लोगों को भ्रमित करने का उपाय खोजा जाएगा। और शायद ये पोस्टर लगा के राजद ने ये संदेश देना चाहा है बिहार के मुख्यमंत्री को कि जनाब बहुत हो गए वादे, बहुत समय निकल गया, 1 साल करीब 2 महीने निकल गए, अगस्त में सरकार बनी थी, अगस्त 1 साल हो गए, 14 महीने हो गए, अब तो सत्ता सौंप दीजिए। तो क्या ये पोस्टर जो लगाया गया है वो जदयू नेताओं के लिए लगाया गया है, मुख्यमंत्री को ये दिखाने के लिए लगाया गया है कि अब बहुत हो गया, आपने वादा किया था कि भाई अब इन्हीं को संभालना है, तो सत्ता क्यों नहीं दे देते हैं, सत्ता दे दीजिए नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश भी इतने अपने पैर को मजबूती से जमा के रखे हैं कि वो बिना कुछ ग्रीन सिग्नल मिले, क्योंकि जो महागठबंधन इंडिया की जो बैठकें हुई उसमें नीतीश सिर्फ बिहार में दिखा कि उनकी कुछ चली, बैंगलोर और मुंबई से नीतीश का पत्ता गोल होने लगा, क्योंकि उसके 20 में ही कर्नाटक चुनाव जो है वो कांग्रेस जीत चुकी थी। राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल के विस्तार की जब पटना में बात की, तो नीतीश ने निश्चित तौर पर आगे बढ़ के कहा था कि कैठो दे दें, कैठो दे दें, पूछिए लालू जी से कहवाइए,
मामला ठंडे बस्ते में। राहुल जी मटन खा के लालू प्रसाद यादव का शांत हो गया है वो भी मसला, कब बिहार का के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसे पोस्टरों को लगा के अपने साथ चलने वाली पार्टियों पर निश्चित तौर से एक दबाव, एक मनोवैज्ञानिक जो है दबाव बनाया जाता है कि बिहार की जनता जो है वो त्राहिमान कर रही है तेजस्वी के बिना। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जिनके दिमाग का, जिनके सोचने का अंदाजा जो है उनके अगल बगल के लोग भी नहीं लगाते कि कब क्या सोचेंगे वो क्या तेजस्वी को गद्दी देंगे ऐसे पोस्टरों को देखते हुए। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।